जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो आपका एसी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पर आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि 30 अक्टूबर से जो आपके एसी सेंटर बेंगलोर के एग्ज़ाम है, साउथ के, नॉर्थ के, वो आपके कंडक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का रिव्यू रहा है? जो अब तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, कितने आपके अटेंडेंस आपको देखने को मिली है? आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है? आपके एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार कितनी कट ऑफ आपकी बन सकती है? वेरिफिकेशन के प्रोसेस, आपके बायोमेट्रिक के प्रोसेस किस प्रकार से कंडक्ट हुई है? और सबसे बड़ी गलती कौन सी है कैंडिडेट के द्वारा जो की गई है इन एग्ज़ाम में, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सबसे पहले सिविलियन मोटर ड्राइवर का एग्ज़ाम है और उसके बाद जो आपका क्लीनर की पोस्ट का एग्ज़ाम है, वो आपका 30 अक्टूबर को कंडक्ट हो चुका है। और यहाँ पर अब आपका 1 सितंबर से लेकर आपका 10 सितंबर तक जितने बाकी पोस्ट का एग्ज़ाम प्रोसेस है, वो आपका कंडक्ट होने वाला है। तो अगर आपका आने वाले समय में किसी भी डेट को एग्ज़ाम है, तो ये पूरा रिव्यू आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं, उनके द्वारा जो रिव्यू बताया गया है, वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें टोटल आपकी 153 वैकेंसी हैं, और यहाँ पर क्लीनर की जिसके टोटल 20 वैकेंसी हैं, इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके इंट्री के बारे में, तो देखिए इंट्री के टाइम जो आपका एडमिट कार्ड है प्लस में जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट है, वो आपको लेकर जानी है। वहाँ पर पूरा डाटा आपका चेक किया जाएगा और आपके डाटा के बारे में, आपके एडमिट कार्ड के बारे में, एड्रेस के बारे में, जितनी भी बातें हैं वो आपसे वहाँ पर पूछी जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, आप सभी को अंदर लेकर जाया जाएगा और जो भी आपके बैग वगैरह हैं वो आपके जमा किए जाएंगे। वहाँ पर बैग जमा करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड है या फिर आपका पेन वगैरह है, आपका क्लिपबोर्ड है, वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। और वहाँ पर आपको थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। पैदल चलने के बाद आपको जो वहाँ पर आपके जो भी सीट अलॉटमेंट की लेटर की सीरीज़ है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको जो भी एग्ज़ाम सीट है वो दे दी जाएगी। और इस बार जो सबसे मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है ना एसी के द्वारा, वो है आपकी ओमर सीट। अगर आपको नहीं पता, तो जो पीछे आपकी भर्ती हुई थी ना, वहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपको टिक लगाने पड़े थे आपके आंसर के ऊपर, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जो आपकी ओमर सीट है, यानी कि जो आपके बॉक्स होते हैं, आपका गोला होता है, वो आपको भरना होता है। और इसमें जितने भी आपके कैंडिडेट हैं, अगर आप सेफ स्कोर करेंगे ना, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट स्कोर आपका पता चलेगा, क्योंकि जो आपकी ओमर सीट है वो आपकी मशीन के द्वारा चेक की जाएगी। तो आपके एग्जाम के स्कोर में कोई भी धांधली होने के चांस नहीं है। यह आपके सबसे अच्छी पहल आपके बार की एसी के द्वारा बताना चाहूंगा। ओके, तो जो आपका एग्जाम है, इसमें आपको बता देते हैं सबसे बड़ी गलती कौन सी की गई है, वो है आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। टोटल आपके सभी पोस्ट में, चाहे किसी भी पोस्ट का एग्जाम हो, 150 क्वेश्चन आएंगे। और इन 150 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने के पूरे जो क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट कर दिए हैं, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आपकी सबसे बड़ी गलती ये होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जो 150 क्वेश्चन हैं उसमें से 80 क्वेश्चन मात्र आपको आते हैं, लेकिन आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो वहाँ पर जो आपके गलत क्वेश्चन हैं उनका इफेक्ट किसके ऊपर रहेगा, आपके सही क्वेश्चन के ऊपर है। यानी कि जो आपका एग्जैक्ट स्कोर है वो भी आपका माइनस में चला जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो अटेंडेंस है ना, मात्र आपके 2500 बच्चों की रही है अब आपके 30 अक्टूबर के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर इन 2500 में से लगभग आपके 2000 के आसपास जो बच्चे हैं वो ड्राइवर के थे, और 300 से 400 बच्चे मात्र आपके क्लीनर की पोस्ट के थे। तो ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुँचे हैं, न ही ज़्यादा बच्चों को एग्जाम देने के लिए बुलाया गया है। जितने बच्चों को बुलाया गया है वो सभी भी एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इसीलिए आपका कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है।
तो ये गलती आप लोग न करें, सभी क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट न करें, क्योंकि पूरे का पूरा पेपर आपका किसी का भी नहीं आता है। लेकिन जितना पेपर आपको आता है आप वही अटैम्प्ट कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपके बहुत ज़्यादा है 1/4 की, इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो जो आपके अटेंडेंस है वो आपकी हमने बता दी, इतने ज़्यादा नहीं है, लगभग 4000 के आसपास जो बच्चों को ड्राइवर का एग्जाम है बुलाया गया था, लेकिन मात्र आपके 50% जो अटेंडेंस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिली है, यानी कि 2000 के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने पहुँचे थे। सेम इसी तरीके से आपके 1000+ बच्चों को क्लीनर के एग्जाम के लिए बुलाया गया था, लेकिन मात्र उसमें से 300 के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम देने पहुंचे थे। और सेम चीज मैं आपको बता देता हूं, आने वाली पोस्ट में आपको देखने को मिलेगी, सभी बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंचेंगे, जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे याद रखिए आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ठीक है जी। बाकी जो भी आपकी अपडेट होगी आने वाले एग्जाम के बारे में वो आपको हम बताते रहेंगे। और अगर आने वाले एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, स्पेशल नोट्स आपको चाहिए, आपको नीचा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 9 से 306 38 526, यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एसी के सभी पोस्ट के स्पेशल नोट्स हैं वो आप लोग ले सकते हैं। तो जानकारी कैसे लेकर जरूर बताइएगा। बाकी जितने आपकी पोस्ट हैं उन सभी को रिव्यू आपका हम डेली लाते रहेंगे।